بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام اسٹوڈنٹس خیر سے ہوں نائنتھ کلاس ایکسرسائز 6.2 کا آج ہم کوشچن نمبر 2 کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے 6.2 کا کوشچن نمبر 1 کیا آج ہم کریں گے کوشچن نمبر 2 हमने इस क्वेश्चन को एज अ सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना ठीक है जी। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट में है तो पहले आप इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ठीक है जी एज इट इज़ राइट कर देंगे ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखें जी इसके फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन है तो इसका आप एलसीएम लेंगे। आप 2 करके भी एलसीएम ले सकते हैं। हम एक साथ तमाम टर्म्स का तमाम फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे। अब देखें जी इन तमाम का एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स 4 माइनस 1। आप अगर गौर करें तो एक्स 4 माइनस 1 इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 ये भी आ जाएगा एक्स माइनस 1 ये भी आ जाएगा। तो इट मीन इन तीनों का एलसीएम हमारे पास एक्स की पावर 4 माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से इन 4 टर्म्स का जो एलसीएम हमारे पास होगा वो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ठीक है जी। तो आप इनका एलसीएम राइट करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है जी। अब ये हमारे पास है एलसीएम। अब जब एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन से कैंसिल तो हमारे पास ये टर्म बचेगी एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है जी। सेकंड यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन एक्स प्लस वन से कैंसिल एक्स माइनस वन अब ये दो बाकी जो दो फैक्टर हैं इससे मल्टीप्लाई होंगे एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज आ जाएगा ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल तो हमारे पास ये दो फैक्टर बचेंगे इससे मल्टीप्लाई होंगे यानी कि फोर एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी अब देखें जी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर फोर माइनस वन इसे अगर हम ओपन करें तो हमारे पास ये आता है ये तमाम टर्म इस तमाम टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास प्लस फोर आएगा प्लस फोर एक्स ठीक है जी। अब इनको तमाम को हम सिंप्लीफाई करते हैं अब देखिए जी इसे मल्टीप्लाई इसे पहले हम करते हैं ओपन ए प्लस बी होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि टू एक्स आ जाएगा इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज माइनस इसे ओपन करेंगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यह माइनस है तो माइनस टू एक्स आ जाएगा ठीक है जी और एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इसकी ये फार्मूला क्लोज कर दें यानी कि फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है जी प्लस फोर एक्स ओवर में आपके पास यही आ जाएगी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है जी। उसके बाद देखिए जी हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें जी ये आपके पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर अब वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अब टू एक्स को टू एक्स की क्यूब हो जाएगा प्लस 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 टू एक्स ठीक है जी।
अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बाहर जो है माइनस है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें जी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 एक्स, ठीक है जी, ब्रैकेट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 एक्स, लास्ट में ये टर्म्स 4x आ जाएगी, ठीक है जी, ये 4x इसे मल्टीप्लाई करने से आया, ठीक है। ओवर में हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। देखिए जी, यहाँ पर एक्स की पावर 4 जो है वो सिंगल है, ये एज इट इज़ राइट कर देंगे। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये भी है और ये भी है, ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और हमारे पास 2x क्यूब प्लस 2x। अब यहाँ पर हम माइनस को मल्टीप्लाई भी करेंगे और अंदर जो कटिंग हो रही हो या प्लस माइनस हो रही हो वो भी करेंगे। अब यहाँ पर x की पावर 4 सिंगल टर्म है, प्लस माइनस माइनस 4 सॉरी x की पावर 4। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x स्क्र आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस 4x क्यूब ये आ गया और प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8x। ओवर देखिए जी, आपके पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। इसे आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए जी, यहाँ पर गौर करें, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस, ये से कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस इसे कैंसिल, और इसके साथ हमारे पास इसके बाद देखिए जी, हम लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब 4x क्यूब आ जाएगा, इसके बाद माइनस 4x क्यूब ये आ जाएगा, अब प्लस 2x प्लस 2x 4x प्लस 8x प्लस 12x आ जाएगा। ओवर में आपके पास x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर मज़ीद कटिंग हो रही है, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12x, और इसे अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखें तो हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1, ये इसका आंसर है। इसकी क्लोज फॉर्म ये क्वेश्चन के स्टार्ट में की हुई है, देखें जी ये है, अगर हम इसको क्लोज करते चले जाएं तो हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1 होगा। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो लाइक और शेयर करें, अगर इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और याद रहे आप इस क्वेश्चन को दो दो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए भी कर सकते हैं। पहले इन दो कर लें, फिर जो आपके पास आएगा सिंगल फ्रैक्शन फिर उसको इसके साथ कर लें, फिर यहाँ से जो आएगा फिर उसको इसके साथ कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं और एक साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम।